ये तस्वीर किसी कूड़ा घर की नहीं है, ना ही किसी खंडहर की है, बल्कि ये तस्वीर शिक्षा के मंदिर की है। ये तस्वीर है छात्रों में इल्म का नूर भरने वाले कॉलेज की। ये तस्वीर कामयाबी की मंजिल का रास्ता वाले कॉलेज की। किसी कूड़ा घर सी लगने वाली ये तस्वीर बांसवाड़ा के लोंधा पंचायत के पॉलिटेक्निक कॉलेज की है, जहां बच्चों की पढ़ाई के इंतजाम पर सब कूड़ा कर दिया गया है। कहते हैं स्कूल कॉलेज आजादी का फलसफा पढ़ाते हैं, कॉलेज में कामयाबी की सीढ़ियों पर चलना सिखाया जाता है, लेकिन बांसवाड़ा के इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में पड़े ताले कहते हैं कि अमन का सबक सिखाने वाले कॉलेज की गर्दन पर कॉलेज प्रबंधन ने ताले लटका दिए। कॉलेज में सफाई के नाम पर कचरा है, पानी के नाम पर टूटी प्यासी टोटियां हैं, बैठने के नाम पर टूटी बेंचें, रोशनी के नाम पर अंधेरा और आजादी के नाम पर है ताले। टूटा हुआ फर्नीचर, बिना पंखों के कमरे, तो लाइब्रेरी की धूल फांकती किताबें बांसवाड़ा के इस पॉलिटेक्निक कॉलेज की पहचान बन चुकी है। हाँ सर, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं रहती यहाँ पे। हर एक जहाँ देखो, जहाँ विमल के थूके यहाँ ऐसे पड़े रहते, लेटरिन बाथरूम देखो तो पूरी हालत पूरी खराब है। ना पानी की सुविधा, ना किसी की कोई सुविधा नहीं। हॉस्टल पड़े है, हॉस्टल यहाँ पर कब से जब पड़े हुए, काई लग रही है हर चीज में, हर जगह पे गंदगी, इतनी गंदगी यहाँ पे फैली जा रही है। देखिए वो माएं, देखिए वो बाबूजी, जिन्होंने अपने बच्चों को बाबू बनने के लिए इस कॉलेज में भेजा था, जिन्होंने बच्चों को कुछ बनने का सपना देखा था, वो देखिए अपने बच्चों के कॉलेज की ये तस्वीर, जो छात्रों के भविष्य में रोशनी की जगह अंधेरा भर रहा है। कॉलेज में बना छात्रावास बंद है, जहां कबूतरों का बसेरा है, जालों का पहरा है, इसीलिए छात्र किराए के मकानों पर रहने को मजबूर है। जिस मुल्क में शौचालय की क्रांति हो, उसी मुल्क के बांसवाड़ा के कॉलेज में शौचालय पर ताले जड़े हों, तो फिर इससे गंदी तस्वीर कहीं नहीं हो सकती। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरी लैब बंद पड़ी है, हम बोलते खोलने के लिए नहीं खोलते। इसमें सर करोड़ों करोड़ रुपए की मशीनें सब में जंग लगी पड़ी है। अभी आपने देखा था, हमने बोला था सर लैब खोल दो, नहीं खोल रहे, वो नहीं है ये नहीं है। और कॉलेज में सर हॉस्टल होने के बावजूद बच्चे रूम लेके रहते हैं, कॉलेज का फंड आता है हॉस्टल का अलग से, करोड़ों करोड़ रुपए फंड आता है, बच्चे पर वो रूम लेके रहते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, पर कॉलेज का पूरा फंड खा जाते हैं। और टीचर तो एक भी नहीं, मैकेनिकल ब्रांच में सिर्फ एक टीचर है एचओडी, उसके अलावा कोई टीचर नहीं है, ना क्लास लगती है। और टीचर चल जाते हैं, सुबह आते हैं अंगूठा लगाते हैं, चल जाते हैं, शाम को आते हैं अंगूठा लगाने, बोलते हैं ऐसे ही चलेगा, दादागिरी है। मतलब बात अगर भरोसा पर की जाए तो बांसवाड़ा का पॉलिटेक्निक कॉलेज की जर्जर इमारत और यहाँ के छात्रों का भविष्य भगवान भरोसे चल रहा है। कॉलेज में छात्रों की पढ़ाई ना जाने किसके भरोसे चल रही है, क्योंकि इस कॉलेज में 500 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 10 लेक्चरर हैं, जो बच्चों के ज्ञान में आसमान लिख रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि टीचर अपने मन से आते हैं, मर्जी से चले जाते हैं। सर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर कोई भी लेक्चरर नहीं है कॉलेज में, सभी सीट है लेकिन सभी खाली पड़ी हुई है, बच्चे आते हैं लेकिन चले जाते हैं, क्योंकि कॉलेज में लेक्चरर नहीं होने की वजह से बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ पे करीब मैं खुद 700 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे लेक्चरर नहीं होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों के धड़ाधड़ बहके आते हैं इधर, और जिनका भविष्य खराब होता जा रहा है बच्चों का। बच्चों को इल्म की मीनार पर बैठाने का दावा करने वाला कॉलेज प्रशासन छात्रों के भविष्य को अंधकार के कैसे दलदल में धकेल रहा है, जहां पर सिर्फ अंधेरों की हुकूमत है। कॉलेज प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, छात्र आवाजें दे रहे हैं, सुनिए गुरुजी, हमारे भविष्य का सवाल है, लेकिन कहते हैं जब गुरुजी अपनी जिम्मेदारियों पर अंत लिख देते हैं तो शिक्षा खुदकुशी कर लेती है। ऐसे में सवाल है कि छात्रों के भविष्य का आखिर जिम्मेदार आखिर कौन है। बांसवाड़ा शहर के नजदीक लोधा पंचायत में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज आज पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। कॉलेज परिसर में गंदगी का आलम है और यहाँ पे जो छात्रावास है वो भी पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर पढ़ रहे छात्रों को खासी परेशानी हो रही है, यहाँ पर व्याख्याता नहीं है, पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो लेबोरेटरी बनी हुई वो भी बंद है। कई बार छात्रों ने इस बारे में प्रिंसिपल को अवगत कराया, पर प्रिंसिपल ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से छात्रों को पढ़ाई में काफी परेशानी हो रही है। कैमरामैन कुणाल त्रिवेदी के साथ अजय ओझा, जी मीडिया बांसवाड़ा।